धन्यवाद। नतीजों के बाद छिंदवाड़ा आगमन पहला दौरा क्या कारण? मित्रों, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं। कार्यकर्ताओं ने यहाँ अनथक परिश्रम किया। 2018 के मुकाबले हमको बहुत वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं और कुछ सीटें हम बहुत कम वोटों से हारे हैं, और इसलिए एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा मैं। दूसरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का जो हमारा सपना था, जिसके लिए जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, आज वो सपना पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की, कश्मीर से धारा 370 हटी है, देश अभूतपूर्व प्रगति और विकास कर रहा है। भारत कभी विश्वगुरु था ही हम कहते थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारत विश्वगुरु बन रहा है। ऐसा नेतृत्व जिसके प्रति अगाध श्रद्धा संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश की जनता की है, 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कोई संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कसर बाकी ना रह जाए। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा, भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। शिवराज जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 29 के 29 सांसद, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश देगा। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, देश भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया को भी दिशा दिखा रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य है। और आज से हम मिशन 2024 छिंदवाड़ा से प्रारंभ कर रहे हैं। शिवराज जी, मुख्यमंत्री जी, अभी विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और आप लोकसभा में लग गए हैं बिना थके बिना रुके, क्या है इसकी? जो थक जाए वो कार्यकर्ता कैसा है? शिवराज जी, मैं तो देखो, हम एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं और उस मिशन की पूर्ति के लिए दिन और रात अनथक परिश्रम करते हैं। हम उस बड़े अभियान के हिस्से हैं और एक कार्यकर्ता के नाते काम करने पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारी,